चलो साहब, वो जो क्वेश्चन दिया था एक बार मैं उसको बता देता हूँ। तो मैंने इतना तो बता ही दिया था कि रेजिस्टेंस अगर दो हो तो सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट कर दो तो आपको पास निकल आता है। तो जो करंट यहां से आई जा रही है यहां का पूरे पाथ का रेजिस्टेंस 3R है, नीचे वाला R है, तो ऊपर कितनी करंट जाएगी? I बाय 4। और यहां कितनी आई थी? 3I/4। अगर एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड B है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड B, यानी कि 3B आ जाएगा। तो एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बोलो? म्यू नॉट आई, आई का मतलब I/4 अपॉन 4π। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं डी, साइन थीटा 1 + sin θ 2। क्लियर है? सबके लिए थीटा 1 θ 2 की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैंने माना ये क्रॉस ये क्रॉस, तो 3B की वैल्यू क्या है क्रॉस? ये ऊपर वाले के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? नीचे वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी। म्यू नॉट आई कितना है? 3I/4। डिस्टेंस इसमें भी डी, वही साइन थीटा 1 + sin θ 2, और ये आएगा आपके पास में डॉट। इन दोनों को घूर घूर करके देखो, ये एक वायर के कारण और ये तीन वायर के कारण, क्या दोनों बराबर नहीं है? B1 = B3। ये एक वायर उतना मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है जितना ये तीनों मिलकर के दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज इसमें करंट उसका 3 times है, इसमें करंट उसका 3 times है। ये देखिए, तो ये 3 यहां पे काम आ गया, वहां पे तीनों मिलकर के 3 कर रहे थे, तो B net = 0 लिख लीजिए इस तरह के। अब इसका और इसका तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, राइट? अब इस तरह के कितने भी क्वेश्चन कर लो आप, समझना, जैसे ट्रायंगल बना दे, पी पे मैग्नेटिक फील्ड 0, स्क्वायर बनाया था अभी अभी अपने, मैग्नेटिक फील्ड 0, सर्कल बना दूं मैं, चाहे वो इधर से करंट दे और इधर से निकाल दे तो भी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो चाहे आपको ट्रायंगल बना दे, स्क्वायर बना दे, चाहे सर्कल बना दे, अब सर्कल में करंट कहीं से भी घुसेड़ दे, कहीं से भी निकाल दे, हर एक केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 ही जाएगा। हाँ, तो इस तरह का डायग्राम हो, चाहे ससुरा यहां से घुसेड़ करके यहीं निकाल दे, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आएगा। तो मतलब किसी भी तरह के केसेस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आएगा, प्रोवाइडेड ये बट जाना चाहिए, एक करंट दो हिस्सों में बटनी चाहिए, राइट ऑन ऑल। हमने ये तो पढ़ा कि किसी भी सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आता है μ0I/2R, क्लियर? इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता है मुझे, लेकिन जैसे जैसे इसके एक्सिस पे दूर जाऊंगा ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, इसकी क्या वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, वो मुझे निकालना है, क्लियर? और ये मैं करा चुका हूं इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट। मैं बताता हूं कहां कराया, मैं आपको बताता हूं, अभी आपको पता लग गया। ये कोई वायर है और इसके एक्सिस पर पी पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, यहां एक सेगमेंट मानूंगा आइडियल, एक सेगमेंट यहां मान लेता हूं आइडियल। तो यहां पे करंट कैसी आ रही होगी, ये ऐसा रखा है ना, तो ऊपर में करंट कैसे जा रही होगी, इधर यानी कि बाहर, यानी कि डॉट।
और यहां पे करंट कैसे जा रही है, नीचे यानी कि क्रॉस। तो इन दो सेगमेंट के कारण इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी निकाला हुआ है हमने, याद आया? अबे गोला वाला बना के कर रहा था बकायदा ऐसा ऐसा करके, इसका 90 डिग्री वो थीटा थीटा। तो इसमें इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं डीबी मान लू तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, डीबी। ये एंगल थीटा है, अब मुझसे ये मत पूछना कि सर ये एंगल थीटा कैसे आया, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, जाकर के क्वेश्चन रिवाइज करना। इसका एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, एक डीबी कॉस थीटा इसका इधर आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट डीबी साइन थीटा और एक इसका डीबी साइन थीटा, दोनों मिलकर के 2db साइन थीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकाल करके इंटीग्रेशन करना है, और जब भी ये डायग्राम बनेगा यहां पर इस तरह से एक रेक्टेंगल जरूर बनता है, ऐसा नहीं ये इतना बड़ा बना दिया, ये इतना बना दिया, ये इतना बना, ऐसा नहीं, पूरा सिमेट्रिकल बनाइए इसको। बट यहां पर एक बहुत बड़ी बात समझनी हमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास निकला है वो निकला है 2db साइन थीटा, तो मुझे डीबी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। डीबी क्या है, इस एक सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। क्या सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है आपको, कैसे निकालते हैं? बायो सावर्त लो, वही पहला आदमी था जिसने एक सेगमेंट माना था और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया था, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr2। इसमें थीटा क्या था, जो सेगमेंट है उस पर एक टेंजेंट खींचिए और इन दोनों के बीच का एंगल। हमारे पास सेगमेंट कहां है, तो उस सेगमेंट के कारण अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं मैं इस थीटा को मैं फाई बोल रहा हूं यहां पर, है ना, ताकि आप थीटा थीटा से कंफ्यूज ना हो जाए, फाई, या ऐसा करता हूं इसको फाई बोल देता हूं, इसकी बहस की था। अच्छा आपने थीटा लिख लिया है, कोई बात नहीं, अरे कोई बात हाँ तो तुम डाल दो ना सबने लिख लिया होगा ना, मेरी गलती थी, तो मैं इसको लिखता हूं म्यू नोट आईडियल साइन फाई 4πr² इंटू साइन थीटा, ठीक है। म्यू नोट मुझे पता है, आई मुझे पता है, इसकी लंबाई मुझे पता है, ये वाली डिस्टेंस को मैं कह देता हूं एक्स, इसको कह देता हूं आर और इसको कह देता हूं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर भी मुझे पता है सेगमेंट से जीरो, सिर्फ मुझे फाई की वैल्यू बताइए। ये वायर बेसिकली ऐसी है, क्लियर है ना, ऐसी है, ये एक सेगमेंट है। अब यहां से मैं ये करूंगा, जैसे ये है, अब इस पे चाहे ये एंगल कितना होगा 90, तो अब आपने ये रखा है और वायर ऐसी जा रही है, तो सेगमेंट यही है ना आपका, तो इस सेगमेंट से इसका एंगल कितना जाएगा, 90 जाना है, क्योंकि इसका आपका इधर जाएगा और ये जाएगा इस एक्सिस में, ये आएगा एक्स एक्सिस में और ये आएगा जेड एक्सिस में, सीधी सी बात ये है। इसका टेंजेंट किधर जाएगा, इधर जेड एक्सिस में, और यहां से एक एंगल जा रहा है ये नीचे, तो ये एंगल कितना है बेसिकली 3D का एंगल है, ये 90 डिग्री आएगा कि सर ये 90, ये भी 90, ऐसे कैसे 3D है ये, इट्स नॉट ए दिस थिंग कि ये 90 बता रहा हूं मैं, ये भी 90 बता रहा हूं, नहीं, ये बाहर है इससे। अगर मैं यहां से एक लाइन खींचू ऐसे करके, तो ये एंगल तो 90 मानोगे कि नहीं मानोगे, तो वही एंगल है, तो फाइ इज 90, तो साइन 91, तो 2 म्यू नोट आई डी एल 4πr² साइन थीटा इज द डीबी डैश।
सीधी सी बात है, इसका टेंजेंट एक जाएगा जेड एक्सिस में और ये आएगा आपके पास में एक्स एक्सिस में, और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा दो एक्सिस के बीच का एंगल। लिखिए, अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। इसमें जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, टू कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, फोर पाई कांस्टेंट है। अब यहां से सेगमेंट क्या है, अगर मैंने ये पॉइंट यहां है तो यहां से ये वाली डिस्टेंस भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, तो इस पे चाहे मैं यहां सेगमेंट मान लूं, यहां सेगमेंट मान लूं, यहां मान लूं, नीचे मान लूं, हर उस सेगमेंट से इस पी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की डिस्टेंस आर ही रहेगी। ये सारी वैल्यू स्मॉल आर ही रहेगी, तो मेरा आर भी कांस्टेंट है, टू म्यू नोड आई, हर एक सेगमेंट के लिए स्मॉल आर भी कांस्टेंट है। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू मैं निकाल देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये मैं आर क्यूब बाहर ले लेता हूं और ऊपर से आर भी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या डीएल। अब समझिए, आपका ये सोचो आपने एक सेगमेंट नहीं लिया होता, ठीक है, सिर्फ एक ही सेगमेंट होता तो यहां db sin थीटा होता और इस सेगमेंट की लिमिट में लगता 0 से 2πr, है ना, 0 से 2πr लगता क्योंकि पूरा मुझे सर्कल यूज करना है, लेकिन मैंने एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये ले लिया तो मैंने वो ऑलरेडी डबल कर रखा है, तो मुझे लिमिट सिर्फ इतनी लगानी पड़ेगी 0 से πr, और उसका डबल ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसकी लिमिट लगाऊंगा 0 से πr। और स्मॉल आर क्या होगा यहां पर, एस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और क्यूब कर दूंगा तो क्यूब रूट, तो ये हो गया आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सिस पर। बट दिक्कत क्या है कि क्वेश्चंस में जनरली आपको इस तरह से बोलता है कि यहां से वो डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाए। सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2R, उसका हाफ हो जाए, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। वो साउंड वेव्स नहीं जा रही है ना वहां तक। कहता है कि यहां से वो डिस्टेंस पता कीजिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का आधा हो जाए, 1/4 हो जाए, √3/2 टाइम्स हो जाए। क्लियर, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। इफ मैग्नेटिक फील्ड at the center is B naught, that is mu naught I by 2R, तो मैं इसको इस फॉर्मूले में चेंज करने की कोशिश करता हूं।
आ गया। तो ये आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। अब वो बोलेगा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ है सेंटर का, तो इसकी वैल्यू बी नोट बाय टू रख दी जाएगी डायरेक्ट। काम खत्म, लिख लीजिए, निकालो क्वेश्चन तो कर लो। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट विच मैग्नेटिक फील्ड बिकम हाफ ड्यू टू द कॉइल ऑफ करंट कैरिंग आई। देखिए, इफ रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज कैपिटल आर, इफ, तो एक लाइन ऊपर ही तो लिखनी है, आ जाएगा वो भी, कैलकुलेट में पहुंचूंगा मैं। अब मैं तुम्हें तमीज से लिखा रहा हूं फिर। इफ रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज कैपिटल आर, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट विच मैग्नेटिक फील्ड बिकम हाफ ऑफ द सेंटर। कहता है एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का हाफ करना है, यानी कि बी नॉट बाई टू। तभी से कर देता हूं, मैं समझ नहीं क्या कर रही। अब अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल टूल है जिससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो तो निकाल दीजिए। है कोई डिवाइस? नहीं पूछा मैंने। या तो दो का स्क्वायर करो, चार आएगा, फिर उसका क्यूब रूट निकालो। कैसे निकालते हो क्यूब रूट मैथ्स में? एक तरीका तो लोग लुगाई, क्या आप ये कर दो कि x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 बाई 3, इसका लोग ले लो, इसका लोग ले लो, और फिर एंटी लॉग की टेबल में इसकी वैल्यू देखो। तब आपको समझ में आएगा, ये आएगा 1.587। तो x स्क्वायर r स्क्वायर इज 1.587 माइनस 1, 0.587 का रूट लो। अब यहां भी दिक्कत है, ये निकल के आएगा आपके पास 0.766 r। तो x इज इक्वल टू 0.766 r विल बी योर आंसर। इसको करने का पहला तरीका है। आपको लग रहा है इससे बड़ा कैसे आ गया? भाई बहस है तो पहले आप ये लिख लीजिए और ये वैल्यू डायरेक्ट याद भी कर लीजिए। अगर एबीसीडी में आ जाए तो हाफ ही पूछता है जनरली, ठीक है? तो इसको भी नोट करके लिखवा दूंगा मैं, पहले यहां तक कीजिए। यार ये मैथ से आया यार, कैसे बताऊं? x का क्यूब इज इक्वल टू 3 है, 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 1 बाई 3 हो जाता है। ये इधर से इधर जाता है तो पलटी मार देता साला। तो x आपके पास 3 बाई 2 है, ये तो x हो जाएगा 2 की पावर 2 बाई 3, ऐसा होता है ना? करके बता बेटा। ये 1 प्लस था ना, तो 1 उधर चला गया है, अरे इस पर कहाँ गया, ये रहा ना इस पर, अरे ये था, फिर मैंने इसका रूट ले लिया ना,
तो स्क्वायर स्क्वायर सबका हट गया ना, हो गया यार तुम्हें यार। मैथ्स मैथ्स का स्टूडेंट होकर के मेरे जैसे आदमी से पूछ रहा है। मुझे गाली याद कर लेने में भलाई है, क्योंकि निकलने का तो निकलने से तो रही है। टेबल फिर तो कमारा मतलब संडे 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 अब दिक्कत यह है कि एक्स की वैल्यू आर की तुलना में बहुत छोटी भी नहीं है, इसलिए आप बाइनोमियल भी नहीं लगा सकते, वरना बाइनोमियल भी आप अप्लाई कर सकते थे। डन, नोट करके लिखिए इसी बात को जो क्वेश्चन लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड एट 0.766 कैपिटल आर, मैग्नेटिक फील्ड एट 0.766 कैपिटल आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस विल बी हाफ ऑफ द सेंटर, विल बी हाफ ऑफ द सेंटर। बट अगर 1/8 दे देता, समझना इसको 1/8 दे देता, तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो 3 से 3 कट जाता, फिर ये आ जाता 4, तब आपकी जिंदगी थोड़ी सी आराम से चलती। ठीक है, कर दे कर दूंगा ना, अगर 8 आ गया तो 8 आ जाएगा, तो आपको पता है बी एक्सिस 1/8 करना है, बाकी तो ये तो पता ही है, 8 2 की पावर 3 होता है, बस खत्म हो जाएगा। आइए कर, अगर ये आपके पास कॉइल है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो तो आता है बी नॉट, और सेंटर से दूर जाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कम होता है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी नॉट, और यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा निकाल सकते हो, बी एक्सिस बी नॉट 1 + x² / r² / 3/2। तो x की वैल्यू क्या रख दो, r, r रखोगे ये 1 हो जाएगा, 1 का मतलब 2, 2 का मतलब 2 की पावर 3/2, यानी कि इसको क्यूब करके रूट कर दो, यानी कि 8 का नहीं वो नहीं कर रहा, चलो 2√2, 1/√2 होता है 0.707, कितना आ गया 0.358 है ना, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है 0.358 बी नॉट। पीछे क्वेश्चन है, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, और यहां से कर्व कॉन्वेक्स से कनकेव गया है, इसका स्लोप ही चेंज हुआ है, कॉन्केव से कॉन्वेक्स क्या है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये इन्फ्लेक्शन चल ऐसा लिख दो, तो कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, 2, हिंदी में बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, और मुझे ये हिंदी में याद था कई सालों तक, तो मैं कराते ही नहीं था, मैंने कहा चलो एक दिन कराते हैं, इसकी इंग्लिश ही नहीं मिली मुझे, कहीं नहीं मिली,
फिर मेरे एक दोस्त को फ़ोन करा मैंने, वो इंग्लिश में पढ़ाता है, पढ़ा हिंदी का ही पढ़ाया, मैंने कहा वो बता वो कि क्या चीज़ क्या बोल रहा है, मैं वो नति परिवर्तन बिंदु कि कहाँ पर, फिर वो घसी क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ाता, मैं मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ आकाश में, मैंने तेरी से तेरी बता ढूंढ के बता कि मैं कहाँ से ढूंढूँ, मैंने कोई जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाता हूँ कि सब अंग्रेजी साले, ये बड़ी मुश्किल से उसने ढूंढा कहीं से, फिर वहां मिला नति परिवर्तन बिंदु को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दो, एक और एक दो। सो इनकी संख्या पूछ लेता है कभी कभी, बट ये ट्वेल्थ में नहीं आएगा, लिख लीजिए। वन बाई रूट टू याद है मुझे, 0.707। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेजी से कम हुआ है, सिर्फ आर मीटर जाने पर आधे से ज्यादा खत्म कर दिया मैग्नेटिक फील्ड उसने, बिल्कुल तमीज से बनाना। देखो मैंने बहुत तमीज से बनाया, जितनी डिस्टेंस यहां है उतनी डिस्टेंस यहां, जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये है। बेटा पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद क्या लिखना है, संख्या लिखी है दो है, ट्वेल्थ क्लास में नहीं पूछेगा, नॉट इन ट्वेल्थ क्लास। क्वेश्चन लिखिए, घर पे ट्राई करना इसको। अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ अ रेडियस कैपिटल आर, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल on the axis where magnetic field या magnetic induction, बात एक ही होती है ना, magnetic field will reduced by 6% of its value at the center. ट्राई करना, मेरे पास इसका आंसर है 0.206 R। अगला होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए, ये तो आप यहां भी कर सकते हो, वैसे 10 मिनट है ना, करा देते हैं, चलो यहीं कर लो, ये वाला नहीं, ये तो तुम करोगे आराम से, मैच लगाए लगा के भाई, इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड आने से ना, क्योंकि एक्सिस पे आ जाएगा, इसकी वजह से भी आने लगा, तो ओवरऑल पूरा होता तो म्यू नॉट आई बाई टू आर होता, उसका 3/4 हिस्सा है, ये खत्म हो गया, या आ गया, एक और करो फिर, आ गया ना तुम्हारा।
ये वायर मैंने ऐसे मोड़ दी। अब बताओ वायर मैंने सीधी कर दी, ये जो ऐसे थी ना इसकी टांग ऐसे कर दी, अब बताओ। तो भाई यही है ना, एक कर्व्ड पाथ है और एक ये स्ट्रेट है, इसका तो जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पी पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कर्व्ड पाथ प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। कर्व वाला तो वही है 3/4 ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2R, और ये कौन सा केस आ गया, स्पेशल सेमी इनफाइनाइट, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4π डी की जगह आर, और इसके कारण भी बाहर आएगा डॉट। बस खत्म हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4R कॉमन आ जाएगा। थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन पाई प्लस आएगा, लग गया माइनस बोर्ड था बदतमीज। अरे यार ये मैं ऐसा यूज करता हूँ, क्या होता है ना अभी तक देख सुन लो, करंट ऐसा है पी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम समझते हैं कि करंट की तरह अंगूठा रखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी, लेकिन अगर ये कर्व्ड है तब उल्टा कर सकते हो, ये करंट बता सकता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है। तो कर्व्ड में मैं बेसिकली करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंगूठे को दिखा देता है, सेम है, आप करके देखो। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर निकलेगा, बाहर ऐसे अंदर, पर तुम बोलो ये कौन सा रूल है, तो मैं क्या बताऊं कौन सा रूल है। हाँ आपको ऐसे पकड़ना है, वायर पकड़ के करना है तो ऐसे कर लो राइट एंड थंब रूल। हाँ इसमें थोड़ा है कि यहाँ से पकड़े ऐसे ऐसे करते रहोगे, इसमें करंट ऐसा ऐसा हो जाएगा खत्म।